या जो भी बैठी थी खड़ी हो जाए। ध्यान देना, दस लोग, ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे, दस लोग। आचार्य जी कितने लोग बैठे होंगे? जिनमान जी को छोड़कर गिनती लगाई गई है। जगह की दिक्कत तो नहीं है? जगह पर्याप्त है? किसी की आहुति बाहर ना आनी चाहिए, सबकी आहुति यज्ञ कुंड में ही जाए। सबसे पहले चावल और पुष्प हाथ मांगना। हाँ जी, आपको बताया था हवन सामग्री कम न होनी चाहिए। आचार्य जी एक जगह आप रक्षा सूत्र लेकर के बैठ जाइए, सभी भक्तों के रक्षा सूत्र बांधते जाइएगा, ठीक है ना? चावल आप मिलेगा। शिव धन कर वस्तु